नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एक इम्पॉर्टेंट अपडेट जो कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आ रही है, आपको यहाँ पे मैं इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि अभी अभी यूपीएससी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आउट किया है, जहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट के लिए ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आउट किया गया है, एग्जामिनेशन 2022। अगर आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, जो हम इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ साथ हम देखेंगे आपका एग्जामिनेशन कब कंडक्ट किया जाएगा, अब पैटर्न क्या रहेगा एग्जामिनेशन का। सबसे पहले जहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आपने इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना है तो आप यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है, आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। आपने चाहे किसी भी स्ट्रीम में अपनी बैचलर डिग्री ग्रेजुएट आप हैं तो आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर टू, आपके पास एक वैलिड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, जैसे कि आपका आधार कार्ड हो सकता है, अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है वो भी ठीक है, पैन कार्ड, इस तरह का कोई भी एक वैलिड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ आपके पास होना चाहिए, जो कि आपको स्टेट जहाँ आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया गया होना चाहिए। जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो आपने उस आईडी प्रूफ की जो डिटेल है वो भी आपने अपलोड करनी है। नेक्स्ट जहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट डेट फॉर सबमिशन, तो लास्ट डेट जो इसकी रहेगी वो 10th of May 2022, यानी कि 10 मई तक आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, जो आपका एग्जामिनेशन फर्स्ट पेपर होगा ओएमआर बेस्ड जो आपका एग्जामिनेशन होगा, वहाँ पे बताया गया कि किस प्रकार से आपने ओएमआर शीट के जो आंसर्स हैं उनमें आपने सिर्फ ब्लैक पेन का ही इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट जहाँ पे आप देख सकते हैं सभी इंस्ट्रक्शंस जहाँ पे दी गई हैं, हम मेन मेन पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इन पोस्ट के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको नहीं पता चलेगा, आप मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं डेफिनेटली इसके ऊपर भी एक डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट जहाँ पे आप देख सकते हैं द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन विल होल्ड ए रिटन एग्जामिनेशन, जो कि 7th of August 2022 को आपका एक रिटन एग्जामिनेशन यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF, नेक्स्ट यहाँ पे सेंट्रल रिजर्व पुलिस CRPF, तो जहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट यहाँ पे पोस्ट भी बताई गई हैं कि BSF में जो कमांडेंट की पोस्ट है वो 66 है, इसी तरह CRPF में 29 है, CISF में 62 है, इसी तरह ITBP में 14 है, SSB में 82 है। अगर टोटल पोस्ट की बात करें तो जहाँ पे आप देख सकते हैं 253 जो टोटल असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट यहाँ पे रखी गई हैं। नेक्स्ट जहाँ पे हम देखेंगे सेंटर की बात करेंगे तो जहाँ पे आप देख सकते हैं सेंटर ऑफ द एग्जामिनेशन जो कि थ्रू आउट इंडिया में इसके जो सेंटर्स हैं वो जहाँ पे बनाए गए हैं, अगर आप जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं तो इसका एक सेंटर जम्मू में भी बनाया गया है, इवन कि यहाँ पे एक कश्मीर में भी इसका एक सेंटर बनाया गया है। आप देख सकते हैं जितनी भी मेजर सिटीज़ हैं इंडिया की, हर सिटी में जहाँ पे सेंटर बनाया गया है आप जहाँ पे देख सकते हैं सेंटर की लोकेशंस भी दी गई हैं। नेक्स्ट जहाँ पे हम देखेंगे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है एलिजिबिलिटी कंडीशंस, तो जहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी नागरिक जो भारत का नागरिक है वो इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे सेक्स जेंडर की बात करें तो मेल फीमेल दोनों एलिजिबल हैं इन पोस्ट के लिए असिस्टेंट कमांडेंट के लिए। अगर हम जहाँ पे एज लिमिट की बात करें तो जहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी जो एज मिनिमम एज 20 ईयर्स यहाँ रखी गई है और मैक्सिमम 25 ईयर्स, और जहाँ पे ब्रेकअप करके भी बताया गया है कि आपका जन्म जो है 1st of August, यहाँ पे आपने एज ऑन जो ट्रीट की जाएगी आपकी डेट ऑफ बर्थ वो 1st of August 2022 को देखी जाएगी। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं ही शी मस्ट हैव बीन बॉर्न नॉट अर्लियर देन 2nd of August 1997, तो आपका 2 अगस्त 1997 से पहले का भी आपका जन्म नहीं होना चाहिए, और इसी तरह नॉट लेटर देन 1st of August 2002। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं जो रिलैक्सेशन है उसका भी जहाँ पे प्रावधान रखा गया है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए रखा गया है। नेक्स्ट जहाँ पे बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी जहाँ पे जो इस रिलैक्सेशन का प्रावधान रखा गया है, इसी तरह कोई सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उनके लिए भी जहाँ पे पूरा प्रावधान रखा गया है। नेक्स्ट हम जहाँ पे बात करेंगे तो जहाँ पे आप देख सकते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैंडिडेट मस्ट होल्ड ए बैचलर डिग्री ऑफ ए यूनिवर्सिटी, तो जहाँ पे आपके पास मिनिमम जो बैचलर डिग्री आप होल्ड करते होने चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जहाँ पे आप देख सकते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो जहाँ पे आपके रिटन के एग्जामिनेशन के बाद आपका जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा वो भी लिया जाएगा। तो अगर आप फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में पास हो जाते हैं आपका मेडिकल भी कंडक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट जहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास NCC बी सर्टिफिकेट या सी सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके साथ साथ नेक्स्ट अगर हम जहाँ पे फ़ी की बात करें तो जहाँ पे आप देख सकते हैं कैंडिडेट जहाँ पे जो फीमेल कैंडिडेट हैं चाहे वो SC हैं ST हैं, तो आप
की जो फ़ी होगी वो एग्जम्प्ट है, आपको फ़ी नहीं पे करनी होगी। इसके अलावा कोई भी कैटेगरी अगर आपकी है तो आपको 200 रुपी फ़ी पे करनी पड़ेगी। जब भी आप ऑनलाइन इन पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको फ़ी पे करनी पड़ेगी। फ़ी का मोड भी दिया गया कि आप किस प्रकार से क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, रुपे कार्ड, किसी भी प्रकार से UPI पेमेंट के द्वारा भी आप अपनी पेमेंट को कर सकते हैं। जहाँ पे आप देख सकते हैं जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, सिलेबस क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो आपका एग्जामिनेशन होगा वो 7 अगस्त 2022 को आपका कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 दो कंडक्ट किए जाएंगे। टाइमिंग जहाँ पे मेंशन की गई है, तो पेपर 1 जो होगा वो 250 मार्क्स का होगा, जिसमें जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस रहने वाला है। पेपर 2 की बात करें जिसमें जनरल स्टडीज़, एसे एंड कंप्रहेंशन, जो कि 200 मार्क्स का जहाँ पे रहने वाला है। इसी तरह से आप देख सकते हैं नेक्स्ट अगर आप पेपर क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट वो लिया जाएगा। फिजिकली जो एफिशिएंस टेस्ट होगा, जहाँ पे आप देख सकते हैं जो 100 मीटर की रेस होगी, अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो 16 सेकंड में आपने पूरी करनी है, फीमेल हैं तो आपके लिए 18 सेकंड्स। सेम इसी तरह से आप देख सकते हैं सारी चीज़ें जहाँ पे डिटेल में बताई गई हैं। नेक्स्ट आपका अगर आप इन सब प्रक्रिया से पास हो जाते हैं, नेक्स्ट आपका इंटरव्यू रहेगा, जिसे हम पर्सनैलिटी टेस्ट भी कहते हैं, जो कि 150 मार्क्स का यहाँ पे रहने वाला है। इसके बाद एक फाइनल सिलेक्शन मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं जितना भी सिलेबस है उसे भी जहाँ पे डिटेल में कंपोनेंट वाइज यहाँ पे समझाया गया है। इस तरीके से आप जैसे जैसे स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे आप इस नोटिफिकेशन में जितनी भी डिटेल है उसे जान सकते हैं। इन स्पाइट ऑफ दैट अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी होगी आप मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, डेफिनेटली आपकी इसके ऊपर हेल्प की जाएगी। इसी तरह की वीडियो की अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले समय में जितने भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हों उनकी नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, मिलते हैं जल्दी अपनी अपडेट में।